हे दोस्तों, मैं हूँ गोल्डी और आज हमारे साथ में गेम प्ले है अटैक जेट का, यानी कि लड़ाकू विमान का। और गेम हम खेल रहे हैं बैटल फील्ड 4, और मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता मुझे कितना मज़ा आया जब मैं अटैक जेट में था, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त अनुभूति है जेट उड़ाना बैटल फील्ड 4 में। पर तभी ज़बरदस्त होती है जब आप दूसरों को मारने में सक्षम होते हैं, चाहे वो एयर टू एयर किसी अटैक जेट को मारने की बात हो, या स्टेल्थ जेट को मारने की बात हो, या एयर टू लैंड व्हीकल पे हमला करने की बात हो। तो मज़ा तभी आता है जब आप अच्छा खेल रहे होते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा सबसे पसंदीदा लड़ाकू विमान कौन सा है। वो है चाइनीज़ Q5 Fan 10, और इतना ज़बरदस्त उसका डिज़ाइन है। सबसे पहली बात, मुझे उसका डिज़ाइन बहुत ज़बरदस्त लगता है। हालांकि अटैक जेट तो है ही पावरफुल, ये तो एक पसंदीदा विषय है ही, पर उसका डिज़ाइन फ्रॉकफुट का, ये आप देख रहे हो फ्रॉकफुट का गेम प्ले, पर Q5 Fan 10 बहुत ही ज़बरदस्त है। और सबसे बड़ी बात इनके तरी है कि 30 mm इनमें कैनन लगे हुए हैं, जो कि 1000 राउंड्स पर मिनट की दर से फायर करते हैं। बाप रे बाप, कि कोई भी बच नहीं सकता इनके आगे। और एक ही सर में दर्द इस अटैक जेट के लिए है। अगर आप एक डिसेंट से पायलट हैं तो एक ही सर दर्द आपके समक्ष होगा, वो है एंटी एयर, जो जिसको मैं फ़िलहाल मारने की कोशिश कर रहा हूँ। और इसकी रेंज इतनी ज़्यादा है कि नाक में दम मचाए रहती है अगर आप छोटे मैप्स में खेल रहे हैं। पर अगर आप बड़े मैप्स में खेल रहे हो पैरासल स्टॉर्म, तो वहाँ पे आप काफ़ी अच्छा कर सकते हो। और पैरासल स्टॉर्म मेरा फेवरेट मैप है बैटल फील्ड 4 में। सबसे पहले आप देखोगे 1 सेकंड में मुझे एंटी एयर खा गई यहाँ पे। तो बात करते हैं कुछ बुरे पहलुओं की इसमें, जो कि बहुत ही जिसमें बहुत सुधार की आवश्यकता है। जैसे कि पहली ये कि जो रशियन जेट है SU-50, स्टेल्थ जेट है मेरे ख्याल से, हाँ स्टेल्थ जेट ही है, वो बैटल फील्ड 4 में किसी भी जेट के मुकाबले दुगनी तेज़ी से टर्न लेता है। यानी कि मैं, अगर मेरे स्किल लेवल का प्लेयर मेरे सामने है, उसके पास SU-50 है, तो वो मुझे 10 में से 10 बार मार जाएगा। मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि गेम इस तरह से बना हुआ है। उसका जेट SU-50 मेरे मेरे जेट से दुगनी तेज़ी से टर्न लेता है, तो वो डॉग फाइट में हर बार मुझसे जीतेगा। मैं कुछ नहीं कर सकता, आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये एक नकारात्मक पॉइंट है। और एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा कि आप बंदे कहते हैं कि स्टिंगर से काफ़ी हम लॉक ऑन कर सकते हैं अटैक जेट को, कर ही सकते हैं, पर अगर बहुत आप महारथी हो, महारथी से मेरा मतलब सच में महारथी, जेट के अंदर आप महारथी हो, तो एक छोटी सी टिप ये है कि अगर आप 300 साढ़े 300 मीटर के एल्टीट्यूड पर फ्लाई करोगे, तो कोई स्टिंगर आपको लॉक नहीं कर सकता। जहाँ तक मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि मैं जब भी स्टिंगर से जेट को लॉक करने की कोशिश करता हूँ, तो वो उस पर मीटर्स लिखे हुए आते हैं कि कितनी दूरी पर वो जेट है। तो जब तक वो 300 साढ़े 300 मीटर के अंदर नहीं आता, तब तक मैं स्टिंगर से भी उसे लॉक ऑन नहीं कर सकता, या इगला से भी, किसी भी इगला, शायद मेरे ख्याल से और कम रेंज के लिए है। तो यहाँ मैं समझता हूँ कि एक अच्छा काउंटर नहीं है अटैक जेट को मारने के लिए। इनका पावरफुल होना तो लाजमी है, क्योंकि होना चाहिए यार, अटैक जेट है तो इनका पावरफुल होना बनता है। पर सही मायने में इनको मारने के लिए इन्फेंट्री के पास कोई काउंटर नहीं है। कितनी बार आप RPG से एक जेट को उड़ाते हो, 1000 में से 1 बार? शायद मैं तो शायद ही कर पाऊँ उतना, पर फिर भी मुझे लगता है कि स्टिंगर की रेंज और ज़्यादा होनी चाहिए थी। और वन शॉट डिसेबल भी होता अटैक जेट के लिए, तो काफ़ी बैलेंस हो सकता था ये गेम। तो भाई, अगर कुछ बैलेंस नहीं भी होता इस गेम में, तो भी जेट के मायने में, तो भी मुझे ये जेट और ये गेम काफ़ी पसंद आया। और काफ़ी सारी बातें करनी थी, पर वो मैं अपने अगले जेट वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा। तो अभी के लिए वीडियो ये खत्म होने वाला है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो इस पर एक लाइक बटन हिट कीजिए, और आपके सहयोग की मुझे काफ़ी आवश्यकता है, जो कि आप मुझे दे सकते हैं मुझे सब्सक्राइब करके। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो आप दे रहे हैं मुझे लगातार मेरे वीडियोस पे। और अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। तब तक के लिए मैं हूँ गोल्डी, और भारत माता की जय।